सीतामणि, रीगा मिल वर्कर्स यूनियन के द्वारा रीगा मिल के समीप मजदूरों ने अनिश्चितकाल के लिए धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया है। रीगा मिल ने कुछ दिन पहले अपने 600 कर्मियों को मिल से बाहर निकाल दिया था और मिल पर ताला लटका दिया था। निकाले गए मजदूर कर्मियों ने मिल को चालू करने और काम पर आने की बात कर रहे हैं, लेकिन रीगा मिल उनकी बातों को अनसुना कर रहा है, जिसके कारण मजदूर अनिश्चितकाल के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मजदूरों का साथ देने के लिए बैरिया की मुखिया रूबी देवी और संघर्ष समिति के संजय सिंह वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि मजदूरों की मांग जायज है, इसलिए हम लोग उनका समर्थन करने पहुंचे हैं। और आज यहां मजदूरों को वंचित अधिकार से किया जा रहा है, ये तो अपनी अधिकार और हक की लड़ाई है। और 500 मजदूरों की चूल्हा बंद है, सैनिटाइजर का काम मिला है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लेबर मजदूर सभी को लगाना है। रहा सवाल कि आप किसान का भी पैसा 2-3 साल से फंसा है, खासकर के हम मुस्लिम जो आए देखें, ये लोग मजदूर तो अपने लिए स्वयं लड़ ही रहे हैं, लेकिन ये लोग किसान के द्वारा इनका भरण पोषण होता है, तो ये लोग विशेष करके किसान पे भी ध्यान दे रहे थे और ध्यान आकर्षित कर रहे थे कि किसान का जो 2-3 साल का जो ड्यू चल रहा है उसका भी समाधान करें और हम लोग का जो चूल्हा 3 महीने से बंद है वो जले। ये हम लोग का जिला से निवेदन था कि उनका ध्यान उस दिन भी हम लोग आकर्षित किए थे और आज भी कर रहे हैं। वो आके इसका निदान निकालें और करें, नहीं तो तब तक हम लोग समर्थन में आते रहें।